हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर स्टडी पॉइंट। डीआई के सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलते हैं हम लोग डीआई के ओर। जो लोग मेरे बारे में या डीआर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलो, आज का डीआई देखो क्या है। रडार ग्राफ पे बेस्ड डीआई है, ठीक है। तो डीआई शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिनको ये डीआई नहीं मिला, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक अटैच्ड है। आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके पहले सॉल्व कर लो, फिर जाके पीडीएफ देखो, फिर वीडियो देखो, ठीक है। देखो सवाल में क्या है, हम लोग का क्या बोल रहा है सवाल में। पहले हम लोग थोड़ा डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन। फॉलोइंग रडार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डाटा रिगार्डिंग मार्क्स ऑब्टेंड बाई थ्री स्टूडेंट्स ए बी सी, ठीक है। जो डेटा है वो दिए हुए है तीन स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेंड हुआ था उनका, ठीक है। और क्या दिए हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज कितना, 100। मैक्सिमम मार्क्स जो इस सब्जेक्ट में है वो क्या है, 100 है। टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इज इक्वल टू, टोटल मार्क्स जो ऑब्टेंड है, मार्क्स ऑब्टेंड इन हिंदी साइंस मैथ्स एंड इंग्लिश टुगेदर, ठीक है। यानी कि ये सारा चीज़ बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। अब देखो इसी ग्राफ को ना, एक्चुअली यहाँ स्क्रीन पे थोड़ी जगह कम होने की वजह से यहाँ तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होगा देखने में। इसी ग्राफ को ना मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। तो मैं एक समझा देता हूँ तुम्हें कि कैसे समझना है। जैसे मान लो मैथ्स का समझना है तुम्हें, मैथ्स का एम बात करेंगे हम लोग। तो देखो जीरो कहने का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या है, जीरो। तो ये हो गया 10, ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। मैथ देखो येलो कलर का है, ए वाला पार्ट यहाँ पे है। ए में मैथ कितना आया, 70। तो उसी तरीके से हम लोगों ने लिख दिया ए में मैथ 70। चलो बी में भी चेक कर लेते हैं, बी में कितना है, जीरो था, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया तुम्हारा, 60 हो गया। देखो बी में मैथ्स कितना है, 60। एच फॉर हिंदी, एस फॉर साइंस, एम फॉर मैथ्स, ई फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम्हें सारी चीज़ों को देखना है। अब देखो सवाल में क्या रखा है तुम्हारा, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सी। सी का ओवरऑल परसेंटेज से कितना अधिक या कम है, तुम्हें ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तुम ना सबसे पहले बी का टोटल निकाल लो। बी को जब तुम टोटल ऐड करोगे तो हिंदी में 95, 70, 60 एंड 80, ठीक है। मैंने ऐड करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये कितना देगा तुम्हें, 305। बी का टोटल हो गया 305। उसी तरीके से सी का टोटल कितना हो गया, 300, ठीक है। सी का टोटल जब 300 है और 305 है, तो सी के रेस्पेक्ट में बोला था कि कितना अधिक है या कम है, तो सी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 का इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो 5 का टोटल नंबर में इंक्रीज हो रहा है, वो तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज से तुलना करने के लिए बोल रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज जब तुम निकालोगे, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे, 5 अपॉन में। ओवरऑल परसेंटेज का मतलब क्या, पूरे सब्जेक्ट मिला के मैक्सिमम मार्क्स के रिस्पेक्ट में तुलना करना। तो पूरा सब्जेक्ट मिला के 100, 100, 200, 300 एंड 400, यानी कि 400 से तुम्हें कंपैरिजन करना है, गुने में क्या कर दो, 100 कर दो, बस यही करना है। यहाँ से काट दो 5/4, ये तुम्हें क्या देगा, 1.25%, ठीक है। आ गया यहाँ से तुम्हारा 1.25%। अब इसी चीज़ को तुम यहाँ से करोगे फंडामेंटली, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले ओवरऑल परसेंटेज इसका निकाल लो, ए बी का निकाल लो, फिर ओवरऑल परसेंटेज तुम सी का निकाल लो, और उसके बाद फिर तुम सॉल्व करो। जैसे अगर ओवरऑल परसेंटेज तुम बी का निकालने के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा, 305/400, ठीक है, और फिर गुने में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। फिर यहाँ पे तुम सी का निकालोगे तो क्या होगा, 300/400 और गुने में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, और फिर इन दोनों को क्या करोगे, घटा दोगे। तो अब यहाँ से देखो जब तुम घटाओगे, इसको घटाने के लिए निकलोगे, तो यहाँ से तो तुम सॉल्व डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 400 और 100 तो तुम्हारा कॉमन आ गया, 305 में 300 तुमने कॉमन ले लिया, तो 5 आ गया यहाँ पे हाथ में। तो अब इस चीज़ को तुमको देखना है कि तुम या तो इसे डायरेक्ट कर लो, या फिर तुम इस तरीके से भी कर लो। आ गया वही चीज़, अगर 400 कॉमन ले लेते हैं तो 300 में 5 में 300 चला जाएगा, क्या बचेगा, 5/400 गुने में कितना, 100। सेम चीज आया ना, 1.25%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय ए बी सी आर टुगेदर आर इक्वल। किस सब्जेक्ट में ए बी सी तीनों का जो टोटल मार्क्स है वो क्या है, इक्वल है। तो ए बी सी का टोटल मार्क्स देखो, तो यहाँ पे ए बी सी का टोटल मार्क्स हिंदी में देखोगे तो 260 है, साइंस में देखोगे तो 210 है, मैथ्स में देखोगे तो 225 है, और इंग्लिश में देखोगे तो 225 है। यानी कि जो तुम्हें सेम मिला वो सेम कहाँ पे मिला, 225 एंड 225, मैथ्स एंड इंग्लिश में। इसलिए हमारा ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 225, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है हम लोगों का, नेक्स्ट में देखो क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड बाई ए इन इंग्लिश एंड मैथ्स टुगेदर।
रेशियो बताने बोल रहा है मार्क्स ऑब्टेंड बाई ए इन इंग्लिश एंड मैथ टुगेदर, इंग्लिश एंड मैथ टुगेदर टू द मार्क्स ऑब्टेंड बाई सी इन हिंदी एंड मैथ्स, टू द सी इन हिंदी एंड मैथ्स। क्लियर है? तो 70 प्लस में 90 और रेशियो लगा दो यहाँ पे 85 प्लस में 95। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 160 और ये देखने देगा 180। काट दो इसे यहाँ से, दो से कट गया ये 8 बार में और दो से कट जाएगा ये 9 बार में, यानी रेशियो क्या आ गया 8:9। और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8:9। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहे हैं हम लोगों का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड बाई ए इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर। ठीक है, डिफरेंस निकालना है तुम्हें, एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड बाई ए इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर टू द एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड बाई बी इन ऑल सब्जेक्ट टुगेदर। ए का बी के साथ एवरेज में जो अंतर है तुम्हें ये बताना है। ठीक है, तो तुम देखो दो तरीके से इसको निकाल सकते हो, या तो ए का टोटल सम कर लो, ठीक है, जो कि निकाल सकते हो, जैसे अगर मान लो तुम इस रडार को देख रहे हो, या तो तुम ए का सम निकाल लोगे सबसे पहले, ठीक है, या फिर तुम ए माइनस बी निकाल लो। सीधा सीधी दो तरीके हैं, या तो एक ए और बी का तुम सम निकाल लो, एवरेज निकाल लो, उसके बाद घटा दो, पहला तरीका तो तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, या फिर तुम क्या कर सकते हो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तुम कर सकते हो कि ए बी का डिफरेंस निकालते चलो। जैसे अगर तुम ध्यान दोगे यहाँ पे 80 और 95, क्योंकि मैं इस पार्ट से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तुम रडार को इस पार्ट से वहाँ पे एग्जाम में तुम रडार को पहले टेबुलर में नहीं कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तुम रडार बेसिस पे ही सॉल्व करोगे। तो देखो 80 और 95 का अंतर कितने का है तुम्हारा, -15 का है। 75 और 70 का अंतर कितने का है, +5 का है। 70 और 60 का अंतर कितने का है, +10 का है, और यहाँ पे भी +10 का है। और टोटल कितने हैं सब्जेक्ट्स, 4 हैं, यही हो गया एवरेज में डिफरेंस। यहाँ देखो ये 10 और 5 प्लस में 15 देगा, ये नेगेटिव में 15 है, तो ये यहाँ से खत्म हो गया। बेसिकली बचा क्या, 10 अपॉन में क्या 4, जो कि क्या होता है 2 पॉइंट में कितना 5। तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ई, 2 पॉइंट में 5। तो चीज़ों को समझो, या तो तुम उसे लंबा करके जोड़ के भी बना सकते हो, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 30 सेकंड का अंतर आएगा, लेकिन 30 सेकंड भी एग्जाम में मायने रखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, तो अगला सवाल और आखिरी सवाल, ठीक है, क्या है हम लोग का इस डी आई का आखिरी सवाल, अभी तो एक और डी आई बचा हुआ है। इफ़ डी गॉट 10, 5, 15 मार्क्स मोर देन ए इन हिंदी साइंस मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिवली, ठीक है, डी को इतना इतना नंबर अधिक मिलता है, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ डी, डी का ओवरऑल परसेंटेज तुम्हें बताना है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, ए का सबका परसेंटेज निकालोगे। ठीक है, ए का परसेंटेज जब तुम निकालोगे तो देखो ए का उस तरह रडार के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो ए का इंग्लिश में कितना है, 90 है। मैथ्स में बात करोगे तो मैथ्स में तो हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था 70 है हमारा मैथ्स में। ठीक है, फिर अगर हम लोग आगे चलेंगे किसमें, साइंस में चलते हैं, साइंस में देखोगे तो ये तुम्हारा 75 है यहाँ पे, और फिर तुम अगर हिंदी में बात करोगे तो हिंदी में तुम्हारा कितना है, 80 है। यानी कि तुम्हारा डी में जो है ओवरऑल परसेंटेज बताने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, ए का सब में इंक्रीज़ कराना होगा। ठीक है, तो या तो तुम एक एक करके इंक्रीज कराओ, नहीं तो तुम सबको ऐड कर दो। तो ए का 80, 75, 70 और 90 को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद कितना देगा, 315 देगा। अब और जो नंबर बढ़ा डी को, वो कितना कितना नंबर बढ़ा है, 10 प्लस में 5 प्लस में 15 और प्लस में 5। ठीक है, ऐड कर दो, 5, 5, 10, 10, 10, 20 हो गया, और यहाँ से 15 और 15 30, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 350। अब तुम्हें ओवरऑल परसेंटेज निकालना है, तो ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालोगे, 350, ठीक है, बटे में क्या 400 और गुने में कितना 100। अब यहाँ से 2020 काट दो, 350 बटे में 4 तुम्हें क्या देगा, 87.5%। और यही तुम्हारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 87.5%। तो बड़ा ही आसान डीआई था, उम्मीद करते हैं आप लोग इन्होंने इसे बना लिया होगा। नेक्स्ट डीआई की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डीआई का थोड़ा एक टर्म को मुझे समझाना है, वो टर्म पहले समझना है। ठीक है, देखो इस डीआई में क्या दे रखा है, द टेबल गिवन बिलो द इन्फॉर्मेशन सो अबाउट द नंबर ऑफ ऊबर कैब्स इन 5 डिफरेंट सिटीज़। 5 डिफरेंट सिटीज़ में यूबर कैब के बारे में डिटेल दिए, इन्फॉर्मेशन दिए। इट ऑल्सो गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेशियो ऑफ लेस देन 2 ईयर ओल्ड, जो 2 साल से कम है, 2 to 4 year old, जो 2 से 4 साल के हैं, एंड मोर देन 4 year old कैब among them। ठीक है, जो 4 साल से अधिक के कैब हैं उनका भी तुम्हें रेशियो दिए हुए है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैब्स अगर पी का तुम देखोगे तो 5950 है। 2 साल से कम वाले का रेशियो 2 से 4 साल, और 4 साल से अधिक वाले का रेशियो दिए हुए है तुम्हारा 4, 8 और 5। ठीक है, तो देखो इस सवाल में क्या करो ना कि सबसे पहले तुम स्केल फैक्टर निकाल लो। ठीक है,
स्केल फैक्टर कहने का मतलब क्या है कि ये टोटल का सम जो है इसके बराबर है, तो तुम वन यूनिट, जैसे अगर तुम बोलो, अगर मैं तुमसे पूछूं लेस देन टू ईयर निकालना है, तो लेस देन टू ईयर के लिए क्या करोगे, फोर बटे में एट फोर ट्वेल्व, फाइव कितना करोगे 17, ठीक है, और 17 गुने में तुम क्या कर दोगे 5950, ठीक है ना, फोर बटे में एट फोर ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व फाइव कितना हो गया 17, 17 बटे में अभी से तुम भाग दोगे, 17 से जब तुम इसे काटोगे तो 17 थ्री जा क्या हो जाएगा तुम्हारा 51, ठीक है, 17 थ्री जा 51 जब हो गया तुम्हारा, तो तुम्हारा 8 बचा 85, यानी कि 17 फाइव जा क्या हो जाता है तुम्हारा 85, और यहाँ से तुम क्या कर दोगे, यहाँ आधा करके यहाँ जीरो बैठा दोगे, ठीक है। तो अब चीज़ों को देखो यहाँ पे, तुम्हारा इस तरीके से या तो तुम करो, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल तुम्हारा 85 कितना है, 85 तुम 84 12 5 कितना 17, 17 यूनिट की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 5950, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5950 बटे में क्या 17। तो हम लोगों ने एक स्केल फैक्टर निकाल लिया 1 यूनिट का, 1 यूनिट का स्केल फैक्टर क्या हो गया 350, ठीक है। उसी तरीके से क्यू का देखो, क्यू में कितना है 84 तुम्हारा 12 है, 12 और यहाँ पे तुम 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 का संबंध तुम्हारा किससे है 7220 से है, तो 7220 से जब हो गया तो 1 यूनिट का तुम वैल्यू निकालो 7220 बटे में कितना 19, 19 से जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो ये तुम्हें देगा 380, ठीक है। तो ये इसका स्केल फैक्टर हो गया 380। अब तुम आसानी से कोई भी चीज़ निकाल सकते हो, अगर तुम्हें 4 का बोला है तो 4 × 350, 8 का बोला है 800 350, 5 का बोला है 500 350, यहाँ पे 4 का बोला है 400 300, तो एक एक करके ना हर एक का स्केल फैक्टर निकालो। हम लोगों ने भी यहाँ पे निकाल रखा है, इसे 260 इसका स्केल फैक्टर है, इसका स्केल फैक्टर 650 है, इसका स्केल फैक्टर 240 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मोर देन 4 ईयर ओल्ड उबर कैब इन सिटी टी, ठीक है, सिटी टी में जो 4 साल से अधिक वाले थे, तो 4 साल से अधिक वाले कौन से हैं 9, ठीक है, यानी तुम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो 9 × 240, वाज हाउ मच लेस देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ लेस देन 2 ईयर ओल्ड, लेस देन 2 ईयर ओल्ड किसका, उबर कैबिन सिटी क्यू, सिटी क्यू में लेस देन 2 वाले, तो लेस देन 2 वाले कितने हैं 7 है, बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया, 7 × 380 से कितना कम है, कौन सा टी का 4 ईयर से अधिक वाला, यानी 9 × कितना 240, सॉल्व कर दो इसे, 7 × 380 करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब यहाँ से घटाओगे तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मैं देगा 2660, माइनस कर दो 2160 से, घटा दोगे जब तो ये घटाने के बाद तुम्हें क्या देगा 500 देगा, और इसी के साथ तुम्हारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 500 आंसर, ठीक है। तो ये स्केल फैक्टर ना बहुत जरूरी है इस सवाल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोला है, ये स्केल फैक्टर मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ध्यान रखना है इस चीज़ का, इन ऑल द सिटीज टुगेदर द टोटल नंबर ऑफ लेस देन 2 ईयर ओल्ड उबर कैब, सभी सिटीज में टुगेदर जो 2 साल से कम वाले उबर कैब हैं, वाज हाउ मच लेस देन दैट ऑफ 2 to 4 ईयर ओल्ड उबर कैब, ठीक है, कितना कम है 2 से 4 साल वालों से, ठीक है। तो 2 से 4 साल वालों से कितना कम है, तो अगर पी का ही देखो तो 2 से 4 साल वाला 8 है और 2 साल से कम वाला 4 है, तो कितना कम है 4 कम है, स्केल फैक्टर कितना है 350, तो क्या हो गया 400 × 350, पी का निकल गया। फिर उसी तरीके से क्यू में देखो 8 है यहाँ 7 है, यानी क्या हो जाएगा 1 गुने में कितना 380, फिर आगे बढ़ोगे 4 है 5 है, यहाँ क्या हो रहा है माइनस 1 हो रहा है, तो यहाँ पे तुम माइनस 1 लगा देना, माइनस 1 इंटू में कितना 260, फिर यहाँ से देखो 3 से 4 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है माइनस 1 फिर से हो रहा है, माइनस 1 गुने में कितना 650, फिर यहाँ से आगे बढ़ो 8 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, यानी कमी हो रहा है 2 का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या कर दोगे प्लस में 2 कर दो, तो प्लस में 2 कर दोगे और गुने में स्केल फैक्टर कितना है 240 है, बस इसी को सॉल्व करना है, 4 × 350 कितना होता है 1400, यहाँ से सीधा सीधे 380 निगेटिव में 260 निगेटिव में 650 प्लस में 480। अब कितना आसानी से तुम चाहो तो इसे सॉल्व कर ले, तो कितना आसान हो गया, बस जोड़ना और घटाना ही है, इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये तुम्हें देगा 1350, और यही तुम्हारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1350। तो समझो इसमें कभी कभी रेशियो में अगर इस टाइप का सवाल तुम्हें देता है तो उसका एक स्केल फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हम लोगों का, नेक्स्ट में देखो क्या है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ लेस देन 2 ईयर ओल्ड उबर कैब्स इन सिटी टी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेस देन 2 ईयर 2 साल से कम वाले टी में कितना है 6 है, स्केल फैक्टर क्या हो गया 6 गुने में 240, ठीक है।
फिर आगे देखो किसके साथ रेशियो निकालने वाला, टू डैट ऑफ 2 to 4 year old कैबिन सिटी एस, सिटी एस में 2 से 4 साल वाले, यानी कितने हैं, 3 है, यानी इसका स्केल फैक्टर कितना है 650, 3 into में क्या हो जाएगा 650, काट छाट दो यहाँ से, सबसे पहले 0 0 काट दो, 3 से काट दो इसे 8 बार में, 8 3 24 खत्म हो गया, 8 6 कितना होता है 48 और यहाँ पे रेशियो कितना 65, आ गया तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो स्केल फैक्टर निकालने में तुम्हें एक बार तकलीफ हुआ, उसके बाद सवाल सॉल्व करने में तुम्हें कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हम लोगों को, देखो नेक्स्ट में क्या है, बोल रहा है इन ऑल द सिटीज टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ टोटल उबर कैब्स आर मोर देन 4 year old, टोटल उबर कैब से जो हैं कितने साल, कितने सारे कैब हैं जो 4 साल से अधिक के हैं, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, इन ऑल सिटीज टुगेदर व्हाट पार्ट, पार्ट बताना है, पार्ट का मतलब क्या होता है कि जो तुमसे पूछा है वो तुम्हें कहाँ रखना है ऊपर और बाकी टोटल को कहाँ रखना है नीचे रखना है, ठीक है। तो तुमसे पूछा है 4 साल से अधिक वाले, तो 4 साल से अधिक वाले हर एक का तुम्हें निकालना है, तो पी का जब तुम निकालोगे तो क्या होगा 5 गुने में कितना 350, ठीक है। फिर यहाँ से तुम करोगे आगे 4 गुने में कितना 380, फिर आगे करोगे तो फिर 4 गुने में कितना 260, फिर एस के लिए 2 गुने में कितना 650 और प्लस में 9 गुने में कितना 240, ठीक है। अब ये थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करने वाला है इसमें, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, सबका सम करोगे, तो जब तुम इन सबको जोड़ोगे यहाँ से तो इन सबको जोड़ने के बाद तुम्हें मिलेगा 27920, ठीक है। कितना मिलेगा इन सबको ऐड करने के बाद 27। तो पार्ट बताने का मतलब क्या है कि जो पूछा है वो ऊपर और जो टोटल पार्ट है वो कहाँ है नीचे तुम्हारा 27920। अब यहाँ से देखो क्या करो, 0000 हर जगह से काट दो, ठीक है। थोड़ा अगर तुम ऑप्शन पे देखोगे तो ऑप्शन में तुम्हें 2792 वाला एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, ठीक है। डेफिनेटली 2894 तो हो नहीं सकता, 2792 बदल के 2894 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन तो तुम्हारे ऐसे ही खत्म हो गए। अब चाहो तो या तो तुम इसे यूनिट बेसिस पे भी देख लो, ठीक है, या फिर तुम इसे मल्टीप्लाई कर लो। अगर यूनिट बेसिस पे देखोगे तो क्या होगा, 5 into 5 क्या होता है 525, यानी कि यूनिट पे 5 आ गया तुम्हारा। 8 4 क्या होता है 32, यहाँ से 2 आ गया। 6 4 क्या होता है 32, फिर यहाँ से 2 आ गया। 5 2 क्या होगा 10, यहाँ से 0 आ गया। 9 4 कितना होगा 36, तो 2 2 4 6 4 10 10 5 कितना हो गया 15, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 5 into 5 25, 8 4 32, 6 4 24, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 24 होगा, ठीक है। यानी कि तुम्हारा 4 हो गया यहाँ पे, 6 4 क्या हो गया तुम्हारा 10, 0 खत्म हो गया। 5 2 क्या हो गया 7, यानी यूनिट डिजिट पे तुम्हारा क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। देखो इन दोनों में यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 9 है, यूनिट डिजिट पे तुम्हारा क्या है यहाँ पे 7, खत्म हो गया आंसर आ गया तुम्हारा। कहीं कोई अगर मल्टीप्लाई करने का झमेला ही नहीं है तुम्हारा यहाँ पे, तो चीज़ों को समझो और कैसे करना है एग्जाम में ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल देखो क्या है, द टोटल नंबर ऑफ लेस देन 2 year old उबर कैब इन सिटी आर एंड एस टुगेदर, 2 साल से कम वाले आर और एस में, यानी 5 और 4, ठीक है, इज हाउ मच मोर देन 4 year old उबर कैब इन सिटी क्यू एंड पी टुगेदर। क्यू और पी में जो 4 साल से अधिक वाले हैं उनका तुम्हें बताना है, तो 4 साल से अधिक वाले क्या है 4 हैं और 5 हैं, इनका तुम्हें क्या बताना है डिफरेंस बताना है, यानी कि मोर पूछने का मतलब क्या डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले तुम देखो इन दोनों का पी और क्यू का डिफरेंस निकालना है आर और एस से, तो स्केल फैक्टर लिखना शुरू कर दो। 5 गुने में क्या हो जाएगा तुम्हारा 350, ठीक है, फिर गुना प्लस में कर दो, 4 गुने में क्या हो जाएगा तुम्हारा 380, ठीक है। इसका डिफरेंस तुम्हें निकालना है किसके साथ, आर और एस के साथ, तो ये डिफरेंस ना मॉड में लगा देना है, ठीक है, क्योंकि पहले कौन है कौन ज़्यादा है यहाँ पे हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा इन चीज़ों का, तो कभी अगर ध्यान ना रखो तो उसमें क्या करना है वहाँ पे मॉड लगा देना है, क्योंकि निगेटिव में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे देखो अगला तुम्हें निकालना है आर और एस का, तो आर और एस का देखो यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, गुने में क्या 260, प्लस में एस का क्या है 4 गुने में 650, और यहाँ से क्या करो इसे गुना कर दो। अब यहाँ से सिंपल है गुना करना, 5 गुने में 260 करोगे तो ये तुम्हें 1300 दे देगा, और यहाँ से 4 into 6.5 करोगे तो ये तुम्हें क्या देता है 2260, यानी कि क्या हो जाएगा 2600 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से अब ये तो इधर का हो गया, अब इधर में आ जाओ, इधर करोगे 5 into 350 करोगे तो ये तुम्हें देगा 1750, फिर 4 into 380 करोगे तो ये तुम्हें कितना देगा 1520 देगा, ठीक है। अब बस इन दोनों को क्या करना है तुम्हें घटा देना है, ऐड कर लो इसे 1520 into 1750, ऑब्वियस है ये तुम्हें क्या देगा
3270 और माइनस में यहाँ से तुम ऐड करोगे तो साफ साफ दिख रहा है 3900। देखो यहाँ पे निगेटिव में आ गया ना, इसीलिए मैंने बोला था मॉड ले लो यहाँ पे, और निगेटिव में ये तुम्हें यहाँ निगेटिव से मॉड से जब बाहर निकलेगा तो घटाने के बाद ये तुम्हें क्या देगा 630। तो इसी के साथ तुम्हारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 630 है। तो इसी के साथ हमारा आज का DI सीरीज़ भी जो है समाप्त होता है। तो जिन लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होंगे, वीडियो देखने के बाद लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।